हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज छुट्टी ख़त्म, घर वापस जाने का दिन है। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर आप सबसे मैं सब कुछ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आज मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो इसीलिए बाहर से बिरयानी ऑर्डर करा। घर आओ तो मम्मी किचन में घुसने नहीं देती। उनका कहना है तुम लोग सिर्फ बच्चे संभालो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना लोगों का खाना बनाना और वो भी अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये सब मम्मी के लिए कुछ भी नहीं था, पर अब थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है ज़्यादा काम करने से। पर मम्मियाँ तो मम्मियाँ ही होती है, अपने ही दुनिया में मस्त, गलती से भी बच्चों की बातें नहीं सुनते। अभी पापा लोग खाना खाने बैठ गए हैं और इसी बीच हम लोग बच्चों को खाना खिला देंगे, मैं और मेरी दीदी। हाँ, अगर आप लोग पहले के वीडियोस मिस कर गए हों तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड वॉच द अदर वीडियोस। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। अपने लोगों के साथ बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। आई थिंक फैमिली में ये बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन ईजीली फेस दैट प्रॉब्लम। और अभी जल्दी से मैं बैग पैक कर लूँगी। कपड़े तो मैं कल रात को ही पैक कर ली थी, अभी सिर्फ बेटी के जो खाने के सामान हैं वो पैक कर रही हूँ। रास्ते में वो कुछ भी नहीं खाती है, पर फिर भी थोड़ा सा दूध और बिस्किट मैं पैक कर लूँगी, देखते हैं अगर खाती है तो खिला दूँगी। कैमरा मैं ठीक से सेट नहीं कर पाई थी, फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली जल्दी में थी तो कैमरे को वैसे ही रख के मैं काम करना शुरू कर दिया और देखा भी नहीं कि कैसे रखा है या क्या दिख रहा है। नाउ इट्स टाइम टू गो, और मुझे छोड़ने मेरे साथ मेरी दीदी, जीजा जी और मेरा भाई जा रहा है। जितना टाइम एक साथ रह सके उतना ही अच्छा है। हम बस स्टैंड पहुंच गए। वेदर सडनली बहुत ही अच्छा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा। बस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा, टाइम था 3:45 का और आया 4:30 को। बस में चढ़ते ही बारिश शुरू हो गया, शायद वो भी बस का ही वेट कर रहा था। दीदी को कितनी बार बोला घर चली जाओ, पर वो भी हमारे साथ ऑलमोस्ट 1 आवर खड़े थे, और बस आई, बारिश शुरू हो गई, वो भी भीग गए। कलकत्ता पहुंचने में लगभग 3 घंटा लग जाएगा। मेरी बेटी को दूध पिला दिया, वो सो गई, दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो बस में चढ़ते ही वो सो गई। और अब मैं भी मौसम का मज़ा लेते हुए और बिना टाइम वेस्ट किए सो जाती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ कलकत्ता पहुँच के। अभी टाइम हो रहा है 7:30, हम लोग ऑलमोस्ट इस प्लैनेट पहुँच चुके हैं। यहाँ भी बारिश हो रहा था, पर शायद उन्हें पता चल गया है कि हम लोग आ गए हैं, तो बंद हो गया है बारिश। नाउ वी आर वेटिंग फॉर उबर। ये तो हमेशा मेरे साथ होता है, पर अनफॉर्चुनेटली आज जल्दी आ गया। बेटी के लिए खाना मम्मी ने ही पैक कर दिया था, तो उसकी टेंशन ही नहीं है। और हमारे लिए खाना ऑर्डर करूँगी, बिकॉज बहुत लेट हो गया है और अभी जाके खाना बनाना विच इज़ नॉट पॉसिबल।
और अभी टाइम हो रहा है 8:30। हम लोग घर आ गए हैं फ्रेश होके। मैंने बेटी को भी चेंज करा दिया। देखियो जे, ओए बाप रे, फाइनी। रात बहुत हो चुकी है, बेटी को खिला के अब हम भी खा लेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्ते।